बेटा। पापा आपके कहने पे सब लोग रुक रहे थे, आपको सब सैल्यूट भी कर रहे थे, ऐसा क्यों पापा? बेटा क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ। पुलिस मतलब क्या होता है पापा? तुम रामायण के बारे में जानते हो ना? हाँ। जब रावण सीता को उठाकर ले गया तब राम जी ने हनुमान जी से कंप्लेंट कर दी, समझे? हनुमान जी ने सारी इन्वेस्टिगेशन की और फिर सीता जी को लंका में ढूंढ लिया और उसके बाद राम जी के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की तरह लंका जाकर वहाँ के सारे दुश्मनों को अपनी पूंछ से हरा दिया। इस तरह सीता और राम जी का मिलन हुआ। उसके बाद वो उन्हीं के साथ रह गए। हनुमान जी ने जो ड्यूटी निभाई थी वही ड्यूटी हम लोग। पुलिस का मतलब होता है हनुमान जी। बिल्कुल सही बेटा, सारी दुनिया के पुलिस। जय वीर हनुमान। छोटे छोटे बच्चे, अभी तो सिर्फ खेलने कूदने के दिन थे उन बच्चों के, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उनके। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और न जाने कितने ही देश, वहां के सभी बच्चों के हाथों में AK-47 मिसाइल्स, बॉम्ब्स, इन सब चीजों से वो तबाह हो रहे हैं और यही चीज वो हमारे देश में बेच रहे हैं। ऊंची ऊंची पढ़ाइयां करो, एंट्रेंस एग्जाम लिखो, बाद में नौकरियां ढूंढो, नौकरियां मिलने के बाद अत्याचार सहो, भ्रष्टाचार, कर्जे, सड़ी हुई राजनीति, इन सारी चीजों से तंग आकर वो बेचारा एक इंसान एक छोटी सी खुशी के लिए जब बाहर निकलता है तो उसे मिलता है धड़ाम, और फिर उसके बाद क्या होता है? पुलिस वालों को लगा दिया जाता है घायलों को अस्पताल पहुंचाने में, पंचनामा करने के लिए। नाउ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो और किसी भी प्रांत का क्यों ना हो, उसे सिर्फ एक ही चीज पर भरोसा होता है और वो है तारे। वो तारे जिनके कंधों पर लगे होते हैं उन्हें कहते हैं पुलिस वाले। इसीलिए हमारी ये ATS टीम, नो अरेस्ट, नो FIR, नो इंटरोगेशन। आतंकवादी अपनी बंदूक में गोली भरे उससे पहले ही हमारी ATS टीम अपनी बंदूक उसके माथे पर लगाकर धड़ाम। वो लोगों को गन दिखाकर डराते हैं पर पुलिस का नाम सुनते ही उनकी पैंट गीली हो जानी चाहिए, समझ गए? थैंक यू। अलेक्जेंडर का है।
वाले गधों का इस एकेडमी में आना मना है। मैं तो बस ये कह रहा था इस बार मैं पास हो जाऊंगा। आप मुझे क्यों भगा रहे हो यहाँ से? इस एकेडमी के लिए 3 अटेम्प्ट्स देने पड़ते हैं और उसमें से 2 बार तुम फेल भी हो चुके हो। इंग्लिश सब्जेक्ट ही ऐसा है, नहीं आती तो क्या करूं? इसका मतलब कोई अंग्रेज आकर तुम्हारे लिए लिखेगा। चाचा जी, हमारे देश को गुलाम बनाने वाले अंग्रेज ही थे। हमें अंग्रेज नहीं बनना है, पुलिस बनना है ना चाचा जी? पुलिस डिपार्टमेंट को क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए या ईमानदारी? पुलिस वाला बनने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश या फिर सच्चाई? दुश्मनों से लड़ने के लिए क्या चाहिए, इंग्लिश या फिर ताकत? पुलिस वर्ड अंग्रेजी से ही आया है। धत तेरी की, यहाँ भी इंग्लिश ही है। ठीक है, पूरी दुनिया की रक्षा करने वाला मतलब महाबली हनुमान जी, देख लेना आने वाले दिनों में मेरे काम की तारीफ करके खुद पुलिस वालों ने मुझे इंस्पेक्टर ना बनाया ना, तो मैं भी सिंघम का फैन नहीं। ब्लडी फूल, बेचारी तुम्हारी माँ पुलिस स्टेशन के बाहर टी स्टॉल चलाती है, जाओ जाकर उसकी मदद करो। अरे यार, उसके परदादा आजादी मिलने से पहले होमगार्ड थे और उसके दादा आजादी से पहले कांस्टेबल थे और उसके पिताजी यहाँ के पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल थे, तो इस हिसाब से तो उसे ऐसा ही बन जाना चाहिए। पहले ही 2 बार फेल हो चुका है और इस बार भी वो फेल ही हो जाएगा। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े, तेरे जैसा सांड कांस्टेबल बन सकता है तो मेरा बेटा ऐसा ही क्यों नहीं बन सकता? तुम पैसे लाओ। इस तरह पुलिस को गाली देना गैर कानूनी है। सही कहा बेटा, अगर अभी से यही हाल है तो सोचो अगर कल को तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन गए तो सोचो हमारे जैसों का क्या। हाँ, तू जा यहाँ से। हाँ, जा रहा। अरे छोड़ो ना चाचा, आप जा। हाँ, देती हूँ। रोज अपने परिवार का गुणगान के बिना तुम्हें चैन नहीं मिलता। ए रामारा, सर के लिए चाय लेकर आ। बताओ सर। माँ जल्दी चाय दो, सर को दे के आता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि तू इन लोगों के लिए चाय लेकर जाए। मैं चाहती हूँ तू पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस स्टेशन जाए। ए संतोष, इधर आ। तुम्हें याद है जब पापा पुलिस में काम करते थे वो क्या कहते थे? पुलिस वाले हनुमान जी की तरह होते हैं, जब तक इंस्पेक्टर नहीं बन जाता हनुमान जी की तरह सेवा करता रहूंगा, पुण्य मिलेगा माँ। मेरा अच्छा बेटा। कैसे हो काका? हाँ ठीक हूँ बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कौन सा केस लगाना है? 415 लगा दूँ? 416 चाचा जी। 415 रे। 415 मतलब सीधे सीधे धोखा देना, 416 मतलब दूसरे का नाम लेके धोखा देना। हा? इसे तो सब पता है। क्या हुआ दीदी, शादी के दिन भी आपको छुट्टी नहीं मिल रही है ना? हाँ ना। अगर पुलिस वाले छुट्टी लेंगे तो पब्लिक चैन से कैसे सोएगी? सही कहा। एक हिस्सा सीआई साहब को, दूसरा हिस्सा एसआई साहब को और तीसरा हिस्सा मेरा होगा। सर मैंने वो 15,000 में ही खरीदी है। मीडिया वाले कैमरा लगा के अच्छे अच्छों का स्टिंग ऑपरेशन कर चुके हैं, आपका बिना कर दें। अरे अरे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। क्यों दोस्त, ये तुम्हारे बॉस का ही काम है ना? नहीं जूनियर, आजकल वो बाइक नहीं चुरा रहे, पंचर बना रहे हैं। तो फिर पीटर ने क्या होगा? अरे सही कहा। पीटर को लेकर आप यहाँ पर आइए, इनकी बाइक मिल जाएगी। मुझे इन सब के बारे में बड़े अच्छे से पता है। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़ दो। इसे काम चाहिए था तो हमने इसे अपने घर पे रख लिया। इससे पहले भी बहुत बार ऐसे पैसे चोरी हो गए हैं। बताओ बेटा। हाँ सर, माँ ने जो पैसे दिए थे वो मैंने आने से पहले वो मैंने अपने बुक के 45-46 पेज में रखे थे सर। ये भी वही था सर। नहीं सर, मुझे नहीं मालूम सच में। पेज नंबर 45-46 का है जरा बताओ। अरे तो इन सब में क्यों पढ़ रहा है सर? ये लड़का झूठ बोल रहा है सर। झूठ क्यों बोलेगा? झूठ बोलेगा मेरा बेटा? आप जरा रुकिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। रुकिए सर। हाँ बोल बेटा। ये वो बुक नहीं है, वो बुक दूसरी थी। सुना, वो दूसरी किताब थी। सर दुनिया की कोई भी किताब ले लो, उसमें पेज नंबर 45-46 साथ साथ नहीं होते, हमेशा आगे पीछे होते हैं। सच में? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर जुर्म कबूल करोगे तो हम तुम्हें माफ कर देंगे, लेकिन अगर हमने पकड़ा तो चोरी का इल्जाम लगेगा और हमें गुमराह करने का भी। हमारे ईमानदार सीआई साहब के सामने झूठ बोलने की 2 साल की सजा हो सकती है। सच बोलो। मैंने पैसे निकाले। पहले अपने बच्चे को संभालो, उसके बाद दूसरे की कंप्लेंट करना। जी नहीं, वेस्ट कर। सॉरी सर। निकले यहाँ से। ठीक है सर। चलो बेटा जूनियर। सर बोलिए सर। जल्दी सही बन जाओगे, मेरे अंडर में रहकर तुम सही ट्रेंड हो गए हो। थैंक यू सर। हाँ अच्छा ये बताओ, पेज नंबर 45-46 सारी बुक्स में ऐसे ही होते हैं क्या? क्या बात सर, आपको भी नहीं पता? वो क्या हमारे वक्त पे जो है पेज नंबर प्रिंट नहीं हुआ करते थे। सल्यूट कौन करेगा सर? क्लास लेकर जाओ। ओके सर। चलो। जी जी। देखो माँ, कोई भी ढंग से ड्यूटी नहीं करता है, पुलिस की ड्यूटी का मजाक बना रखा है। क्या हुआ बेटा? छोड़ो ना, वैसे भी कितने दिन बचे हैं? 2 दिन के बाद देखना, जब मैं एसआई बन जाऊंगा ना तब मैं किसी भी केस को पेंडिंग नहीं रखूंगा, हिलाकर रख दूंगा सारे स्टेशन को। हाँ।